हाय पूनम जी, आवाज आ रही है? सो मच जी, हाय, गुड इवनिंग पूनम जी। हेलो मोनिका जी, आवाज आ रही क्या? कोई बता दे। हेलो मोनिका जी, अंजलि जी आपको कॉल लगाया, उठाइए। हाय, कैसे हाय दी, आवाज आ हो? रही है हाँ मेरी? ठीक आ है, रही है, आप मेरी आ रही है। कैसी मैं हैं? हाँ, आपकी ठीक आ हूँ। रही है। और कैसे हो? हेलो हेलो, आ रही आवाज? हाँ, आपकी आ रही है दी, हाँ मेरी आ रही है ना? आ रही है आपकी भी। आप बताइए, आपको पीसीओडी था? अच्छा, हाँ दी, मैं पीसीओडी और थायराइड भी था, और आपने मेरा बत्तीस वेट बार भी से ठीक बहुत किया। ज्यादा बड़ा हुआ रहता था। 32 बार भी अच्छा यूज की मैं, और मेथी दाना हाँ, लेती थी, एक्सरसाइज एक्सरसाइज वगैरह भी करती थी, और मॉर्निंग ड्रिंक एक लेती थी, अच्छा उससे भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। अच्छा सबसे कौन अच्छा सा तो ड्रिंक वो लेते थे? 32 बार अच्छा वाला, वो जीरा जीरा वाटर लेती थी मैं, जीरा और मतलब अजवाइन सौंफ वगैरह मिक्स करके वो वाटर लेती थी। तो थायराइड में सबसे बेनिफिट हमको किया वो मेथी था, मेथी से मेरा थायराइड वो ठीक हुआ है। और अच्छा और आपने क्या किया? 32 बार सबसे इफेक्टिव कितना तो टाइम लगा 32 बार आपको? वाला ही फॉर्मूला है। 2 मंथ, सही है, 32 बार। मतलब 2 मंथ में कंट्रोल हो गया। अभी और लूज करना है मेरे को वेट, अभी थोड़ा सा टमी मेरा रह गया, क्योंकि मुझे सीजेरियन से बेबी हुआ था मेरा, तो इसी अच्छा वजह से मतलब टमी अभी है, और थोड़ा बहुत और कम करना है, तो अभी लगी हुई हूँ, बस अच्छा 32 बार वाला फॉर्मूला कर रही हूँ। अच्छा हेलो सुचिता जी, हेलो अर्पिता जी, सुचेता जी बोल रहे, ब्यूटीफुल लग रहा है, लुकिंग ब्यूटीफुल, थैंक यू। हाँ देखिए, कुछ सवाल पढ़ के आपको जवाब देने किसी के, तो पूनम जी बहुत क्यूट लग रहे दोनों, थैंक यू पूनम जी। थैंक यू। मुझे गुड इवनिंग, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इन्होंने पीसीओडी का थायराइड ठीक किया है और 32 बार से, और कुछ ड्रिंक से, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं सरकार सर का बहुत बहुत मतलब थैंक यू भी, उनके सामने छोटा शब्द हो जाता है, उन्होंने इतना बड़ा हम सबको मतलब फॉर्मूला बताया, उनके वजह से इतने सब लोग अच्छे मतलब ठीक हेल्दी हो रहे हैं। और आपका भी बहुत सही बहुत है। धन्यवाद दी कि आपने मेरा भी बहुत हेल्प किया है। एक ग्रुप हेल्प के लिए तो है, सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, फैमिली है, हम सब एक इतनी दूसरे की इतनी हेल्प अच्छी करेंगे। फैमिली हम लोग को मिला है, तो मतलब कोई भी सोल्यूशन मतलब प्रॉब्लम होना तो वो सॉल्व हो जाता है, मतलब अगर बता दिया जाए इस सही फैमिली में तो। सही है। सुमन जी बोले हेलो हेलो, मेथी हेलो, दाना का पूछ रहे पूनम जी, मेथी दाना कैसे यूज करते हो आप बताइए। रात में मेथी दाना को सोक कर दो, मतलब पानी में, 1 गिलास पानी में 1 टेबल स्पून मेथी दाना, और उसे सुबह में आप ले लो। पानी भी पीना है और मेथी दाना भी लेना है, और ये थायराइड और पीसीओडी दोनों में हेल्प करता है, क्योंकि हार्मोनल्स प्रॉब्लम होता है ना थायराइड, तो आप इसे ले हाँ, सकते हो। कितने दिन तक और एक लेना है? पूछ रही है,
1 month के लिए आप लीजिए, इसका वीडियो भी मैं अच्छा बनाई हूँ, तो वीडियो यूट्यूब पे डाले हुआ आप? कॉल आ गया था, सॉरी। इसका वीडियो यूट्यूब पे डालो आप। डाली हुई हूँ यूट्यूब पे, मैं अपना चैनल पे डाली हूँ, आप लोग देख सकते हो उसको। मेथी दाना क्या है ना कि हार्मोन्स प्रॉब्लम जो होती है, दाना लेने से वो ठीक हो जाता है, मेरे को मतलब अच्छा फायदा किया है। अच्छा एक पूछ रही है कि थायराइड के लिए डाइट प्लान, तो मैंने कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं की हूँ मैं, मतलब नॉर्मल घर का खाना खा के, 32 बार का फॉर्मूला अपना के, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज की, बस यही सब करके मैंने अपना थायराइड और पीसीओडी ठीक किया। और पूछ रही अच्छा है थायराइड अपने कैसे कंट्रोल किया। मुझे थोड़ा ना देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, सवाल नहीं पढ़ पा रही हूँ सबके। आप सुमन जी पूछ रही हैं कि चिया सीड लेना जरूरी है, आप अगर लेने लेना चाहते हो तो कोई मतलब उसमें भी अच्छा प्रोटीन वगैरह पाया जाता है, मैं यूज करती हूँ कभी कभी अपने डाइट में शामिल करती हूँ, आप लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, फायदा ही करता मैं पूछ रहे कि बिना उसके होता 32 बार काम, अगर चिया सीड से ये होता है कि आपको भूख नहीं लगती है, जिनको ज्यादा भूख लगती है तो वो लोग ट्राई कर सकते हैं चिया सीड्स, क्योंकि उसमें प्रोटीन ज्यादा रहता है तो भूख नहीं लगती है आपको और काफी ये लंबे टाइम तक। प्रोटीन वेट लॉस में भी फायदा करता है ना, तो इसमें इसे यूज करना चाहिए जिनको जल्दी वेट लॉस करना है। हाँ, पूछ रहे कितने क्वांटिटी में मेथी दाना लेना, पूछ रहे राधिका जी। 1 चम्मच, मतलब 1 चम्मच आप रात में सोक कर दो उसको, सुबह में उसका पानी भी पीना और उसको मेथी को भी चबा के खाना है, च्यू करके खाना है। अच्छा सुमन जी पूछ रही हैं एसीवी लिया था, हाँ मैं एप्पल साइडर विनेगर भी लेती थी, 1 month लिया था मैंने इसे, ये भी बहुत अच्छा फायदा करता है वेट लॉस में। पूछ रही हैं राधिका जी पूछ रही हैं कि मेथी दाना मेडिसिन आप पहले कोई ले लीजिए, पहले मेडिसिन आप ले लीजिए सुबह में, उसके आधे या 40 मिनट के बाद आप ये मेथी दाना खा सकते हो। में आपने कोई डाइट फॉलो की थी स्पेशली, सीमा जी पूछ रहे हैं। कोई कोई डाइट फॉलो नहीं किया, मैं सिंपल घर का खाना खा के बस छोड़ दी थी चावल, में मुझे हमको शुरू से मतलब हमें पसंद नहीं था चावल, तो चावल नहीं लेती थी, और शुगर भी कभी कभी ले लेती थी लेकिन शुगर नहीं, मतलब कभी कभी चाय वगैरह में ले लेती थी, और ऐसे नहीं मीठा वगैरह भी खाया, मैंने सब कुछ खा के वेट लॉस किया है दी, मतलब कभी अच्छा मतलब बाहर का खाना भी, चाउमीन वगैरह या समोसे गोलगप्पे, और कभी कभी बर्थडे वगैरह एनिवर्सरी वगैरह घर में थे तो केक वगैरह भी खाया है, तो मैंने सब कुछ खाते पीते अपना वेट लॉस किया है। अच्छा ये पूछ रहे ऐसे भी कब लेना चाहिए। सुबह में मॉर्निंग में मैं लेती थी, आप रात में भी ले सकते हो अच्छा सोते टाइम और सुबह में भी ले सकते हो, लेकिन वो ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, 1-2 चम्मच काफी है। ये पूछ रहे आपने कितने टाइम में वेट लॉस किया है। पूछ रही है कोई क्या पूछ रहा है आपने कितने टाइम शिखा में जी, वेट लॉस पूछ रही किया है है। कि आपका 2 month में, अभी और कर रही हूँ, अभी मेरा चालू और है, अभी और कम करना। किरण जी पूछ रहे हैं डू यू नो जीएम डाइट, कौन जीएम डाइट मतलब क्या पूछ रहे हैं, मॉर्निंग का पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं। सुमन जी बोल रही है बेबी ऐसे प्लानिंग करना है उनको लेना है, अब चिया सीड ले सकते हो, एप्पल साइडर विनेगर के बारे में तो मुझे नहीं पता कि वो ले सकते हो कि नहीं, लेकिन चिया सीड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो तो।
शिखा जी पूछ रहे सुमित क्या जी पूरी तरह पूछ ठीक रहे हो गया थायराइड? और हाँ मेरा पूरी तरह से ठीक हो गया है। मैं बीच बीच में धनिया वाटर भी लेती हूँ थायराइड के लिए। मैं जीरा और धनिया वाटर सुबह में लेती थी और उससे मेरा बहुत ज्यादा हेल्प हुआ है। और अभी दवा में अच्छा मतलब दवाई जो मेडिसिन होता है वो मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन कभी कभी मॉर्निंग में वो धनिया और जीरा ले लेती हूँ। और अच्छा नेक्स्ट मंथ में मैं अपना थायराइड चेक करूंगी तो पता चलेगा कि कैसा है। अभी तो नॉर्मल ही है और 3 मंथ में चेकअप होता है थायराइड, तो मैं उसमें करूंगी तो आप लोग को जरूर बताऊंगी कि अभी मेरा कैसा है थायराइड। अभी तो मेरा ठीक है। ये प्रिया जी पूछ रहे हैं कि फीडिंग मदर भी ले सकते हैं क्या मेथी दाना? मेथी दाना लेने से फीडिंग मतलब मिल्क सप्लाई ज्यादा होता है, तो जिनको दूध मतलब मिल्क कम आता है ना तो वो भी ले सकते हैं। और दूध का वो मतलब फायदा ही करता है, बच्चे को भी फायदा करेगा क्योंकि इसमें बहुत सारा बेनिफिट है मेथी में, तो आपको भी फायदा करेगा और आपका बेबी को भी फायदा करेगा। पर किसी को सूट होता तो ही करना, क्योंकि वो थोड़ा गर्म भी होता है ना मेथी दाना, किसी को सूट हाँ करता है नहीं करता, एक तो उसको एक आप चम एक बार लेके देख लेना। हाँ एक आधा चम्मच लेने से वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी का मौसम तो ठीक है, ज्यादा गर्मी नहीं है तो आप ले सकते हो। मैं तो इसी हाँ वो मतलब एक एक बार दो लेके महीने देखना ही पहले ली पड़ेगा। थी। हाँ अच्छा एक दो बार लेके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको सूट कर, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो तुरंत बंद कर दीजिए। वन मंथ लेना है और फिर 1 महीने का गैप देना। अगर फिर स्टार्ट करना चाहते हो तो दूसरे मंथ से आप स्टार्ट कर सकते हो, मतलब इसको लगातार नहीं लिया जाता है। अच्छा संगीता जी पूछ रही है एसी एसी भी होता और है। धनिया जीरा कैसे। मैं 1 मंथ एप्पल साइडर विनेगर लेती थी और दूसरा मंथ में मैं धनिया जीरा और सौंफ वगैरह मिला के वो लेती थी, अच्छा क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर भी आप पूरा लाइफ टाइम यूज नहीं कर सकते हो, थोड़ा बॉडी को चेंज देना चाहिए नहीं तो वो आदत बन जाएगा आपको एप्पल अच्छा साइडर विनेगर का, उससे भूख भी कम लगती है एप्पल साइडर विनेगर से। क्या कर रहे हैं साल्ट कॉल्ड में? में चाय पी सकते हैं। हाँ आप चाय पी सकते हैं। मैं चाय ज्यादा नहीं टी पीती थी लेकिन अब थोड़ा बहुत पीने लगी हूँ, गुड़ या शुगर फ्री डाल के ले लेती हूँ चाय। चाय पे बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि चाय छूटती नहीं क्या करें तो छूटती नहीं, आप गुड़ चाय तो डाल के ले आप सकते हो, गुड़ या हाँ शुगर गुड़ वाली फ्री। चाय ले सकते हो या गुड़ थोड़ी कम वाली कर चाय दो, ज्यादा, भी गुड़ वाली चाय बेनिफिट देते। ज्यादा हाँ बेनिफिट देते हैं। हाँ सही है। अच्छा पूजा जी पूछ रहे कैसे ठीक है हम, आप कैसे हो? भूपेंद्र जी पूछ रहे एसी भी कंटिन्यू ओके करना है क्या, 1 मंथ से यूज कर रहे हैं? 1 मंथ आप लीजिए और बीच में फिर और कोई और ड्रिंक ले लीजिए, जैसे कि आंवला जूस भी आप ले सकते हो या एरोवेरा जूस भी ले सकते हो। सुचेता जी बोले वाह आज तो दो यूट्यूबर साथ में बस आप लोग की कृपा के कारण ही है, मतलब आप लोग हैं। इतने अच्छे फैमिली मिले हो, इतना सपोर्ट दिया है, फिर सब पूरे फैमिली को धन्यवाद, थैंक यू कि आप लोगों ने हम दोनों को इतने ऊपर तक लेके आए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। सही है, आप सब लोगों के सपोर्ट के कारण ही हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, आप लोग नहीं होते तो हम भी नहीं होते। सुचेता जी और बेस्ट ऑफ लक दे रहे हैं, थैंक यू। थैंक यू। नीतू जी आप क्या पूछ रहे हैं? और सुमित जी पूछ रहे हैं 3 मंथ में उन्होंने 20 kg लॉस किया पर उनका हैंडल लेव वेट हैंडल लॉस नहीं नहीं हो जा रहा, रहे तो उसके लिए आपको उसके लिए एक्सरसाइज करनी आपको होगी। उस एक्सरसाइज हाँ एक्सरसाइज करने पड़ेंगे आपको। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है कि उनका वेट लॉस हो रहा है, इंचेस लॉस हो रहा है, पर पर्टिकुलर कोई बॉडी पार्ट पे ही उनका वेट रहता है, जब किसी का आर्म पे, किसका थाइस पे, बेली पे, तो आपको पर्टिकुलर एरिया के लिए आपको एक्सरसाइज करना होगा। वैसे तो यस 32 उसके लिए बार से ही हो एक्सरसाइज जाएगा आपका जरूरी ठीक, है। मगर आपको जल्दी, हाँ वैसे तो 32 बार से हो जाएगा धीरे धीरे, पर आपको जल्दी, तो आप थोड़ा एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो।
थोड़ा एक्सरसाइज जरूरी है। पूछ रहे हैं कि आपने बच्चों के साथ कैसे 32 बार ट्राई किया, क्योंकि बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है घर में छोटे बच्चे हैं तो 32 बार नहीं कर पाते, तो पूछ रहे हैं आपने कैसे किया बच्चे के साथ। मैं तो मतलब 2.5 साल की बेबी है मेरी, फिर भी मैंने सो जाता है उसका अलग खाना निकाल देती थी साथ में, मतलब बैठ के पहले, या तो पहले उसको खिला लेती थी बाद में अपना फ्री होके मैं खाती थी। तो अच्छा मैनेज करना तो आपके हाथ में होता है ना कि कैसे मैनेज कर रहे हो। हाँ सही है, पर घर में कई बार हो जाता है कि अकेली लेडीज रहती है, बच्चा छोटा रहता तो नहीं मैनेज कर पाती। घर में मैं अकेली अच्छा लेडीज, सारा काम बच्चा सब कुछ हो जाता है, फिर भी मैंने मैनेज किया। अच्छा मेहनत तो लगती है हर काम में, मेहनत लगती है। हाँ सही है। बेटा रुको, मेरी बाबू नीता जी पूछ रहे हैं एसी भी ग्रीन टी में ले सकते हैं क्या। आप ले सकते हो, मैं नहीं लेती। रिया जी बोले 3 मंथ ज्योति हो जी गए क्या कोई पूछ फर्क रही नहीं है? पड़ रहा है। जी कुछ लोगों को 2-2, 3-3 महीने में भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो और कुछ दिन बाद अपना थोड़ा डाइट चेंज करके देखिए, रूटीन चेंज करके देखिए, थोड़ा फर्क पड़ेगा। थोड़ा टाइम लगता है किसी किसी के बॉडी पे, पर सबको जरूर रिजल्ट मिलेंगे। थोड़ा टाइम देना पड़ता है, जब इतना वेट वेट गेन करने में इतना टाइम लगा तो लॉस करने में तो थोड़ा टाइम उसको दीजिएगा ना। सही है, जब वेट बढ़ रहा था तब तो डेली चेक नहीं किया ना, तो वेट लॉस में क्यों डेली चेक वही कर रहे तो, हो, परेशान हो रहे हैं। थोड़ा आराम से वही हो तो। जाएगा सब सही। ये पूछ रहे कि मैं थर्सडे को नमक नहीं लेती तो अलग से सॉल्ट फ्री डे करना जरूरी है क्या। नहीं, फिर उस एक दिन आपका हो रहा बस हो गया, सॉल्ट फ्री डे एक ही दिन करना, हफ्ते में ज्यादा मत करो। हेलो शिवम जी, मुमताज जी क्या पूछ रहे हैं। सोनल जी पूछ रहे हैं आप दोनों को वेट लॉस जर्नी में कितना टाइम लगा। मेरा 1 महीने में 10 kg लॉस हुआ था, और अंजलि जी दो मंथ में 20 kg। 2 महीने में कितना? 20 kg। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। शिवम जी पूछ रहे हैं एप्पल साइडर विनेगर कितनी बार लेना है। आप या तो सुबह में ले लो, या तो शाम रात में भी सोते वक्त ले सकते हो बेड टाइम में, लेकिन इसे ज्यादा यूज नहीं करना। 1 टेबल स्पून सुबह में ले लो, 1 टेबल स्पून रात में ले लो बेड टाइम। अच्छा यहाँ पे मुझे थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं सबके कमेंट्स नहीं हाँ पढ़ पा रही ठीक, हूँ अभी, पर मैं बाद में रिप्लाई जरूर कर दूंगी। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है पढ़ने में, इसलिए मैं अभी फिलहाल ज्यादा कमेंट भी नहीं रिप्लाई कर पा रही हूँ। पर मैं अपने चैनल पे एक सोच रही हफ्ते में एक बार एक सेक्शन रखू जिसमें क्वेश्चन आंसर्स, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स दू हफ्ते में एक बार। संडे को तो मेरा आता ही है मेन वीडियो, और बीच में एक बार मैं आपके क्वेश्चन देने का ट्राई करूंगी, क्योंकि मुझे अभी प्रॉब्लम होने लगी है थोड़ी। मैं ज्यादा नहीं कर पाती हूँ कमेंट, पहले तो कर लेती थी बहुत कमेंट, अब नहीं होते हैं। बोल रहे हैं कि डिनर में वो साल्ट ले सकते हैं क्या? अगर आप साल्ट फ्री डे रख रहे हो तो नहीं ले डिनर में सकते। नहीं ले सकते, क्योंकि आपको मतलब सॉल्ट फ्री डे रहता है आपका, तो आप शाम को भी नहीं ले सकते सॉल्ट, और उस दिन आपको शुगर भी नहीं लेनी है। सॉल्ट
सोनी जी पूछ रही है मिल्क टी, मिल्क टी ले सकते हैं क्या मेरे आप पास? ले नहीं, सकते हो, अपने काम के गुड़ लिए डाल, कोई प्रॉब्लम। गुड़ विदाउट शुगर लेना है, गुड़ डाल के आप ले सकते हो। लीना जैन जी पूछ रही है अपना डाइट जरूर बताइए। मैंने कोई डाइट प्लान नहीं फॉलो किया, बस छोटे छोटे चेंजेस करके वेट लॉस की हूँ मैं। कोई डाइट प्लान नहीं, घर अच्छा का सिंपल खाना सब कुछ खाते पीते मैंने वेट लॉस किया है। हाँ, मैंने भी कोई नहीं डाइट किया था, बस 32 बार ही फॉलो किया है, बस जो भी घर में बन रहा था सब कुछ खाया है। मदन मदन जी पूछ रहे हैं वेट लॉस नहीं हो रहा, टू मंथ से फॉलो कर रहा है, तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। आप एक्सरसाइज वगैरह करो, थोड़ा सा मतलब खाने पे मतलब कंट्रोल रखो। थोड़ा सा डाइट चेंज करके देखो, जिनमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मुमताज जी बोल रहे हैं मेरा वेट बहुत स्लो स्लो रिड्यूस हो रहा है, डेली 3 किलोमीटर वॉक करती हूँ। तो होता है कि सबका बॉडी टाइप अलग अलग होता है, सबको अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं। हो जाएगा आपका भी। स्वाति हाय, नेहा जी हाय, लीना जी हाय। लीना जी पूछ रहे हैं डाइट बताइए। डाइट कुछ नहीं किया था हमने, जो भी घर में बन रहा था सब खाया है। जो पूरे 1 महीना 2 महीने में वेट लॉस नहीं हो रहा, ट्राई कर रहे हैं आप लोग, जरा एक बार मोनिका जी से सीखिए, उन्होंने 13 महीने से कर रहे हैं, और आपको भी 3 महीने करना है आपको भी है, तो 1-2 महीने में हार मत मानिए, कोशिश करते रहिए, आप लोगों को जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। लीना जी पूछ रहे एक बार अपना रूटीन बताइए प्लीज। रूटीन कोई ज्यादा हार्ड फॉलो नहीं किया, मतलब पहले मतलब सब सुबह में जल्दी उठना उठने का कोशिश की, पहले 4 बजे उठने 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 लगी थी मैं। उसके बाद 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करती थी, उसके बाद सिंपल घर का खाना जो भी हो स्मूदी बना लेती थी या चीला बना लेती थी या रोटी वगैरह जो वो नाश्ता में वो कर लेती थी। उसके 1 घंटे बाद पानी पीती थी या फिर ग्रीन टी पीती थी। खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पिया था मैंने, उसके बाद 1 घंटे बाद पानी पीती थी। और डिनर में भी मतलब वही रोटी सब्जी, और लंच में भी वही। और रात को हर मतलब हेलो। हर मील के बाद ग्रीन टी जरूर लेती थी। अच्छा हेलो, हेलो, आवाज आ रही है ना? लाइट गई थी। हाँ आ रही आ रही आ रही। लाइट चली गई बीच में, इसलिए थोड़ा कनेक्शन कट गया था। ये पूछ रहे हैं कि खाना दोपहर को सोने से वेट बढ़ता है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोपहर में सोने से आप सो सकते हो, बॉडी को भी रेस्ट की जरूरत होती है, ज्यादा बॉडी को टॉर्चर करने से मतलब नहीं है। जब आपको नींद आ रही है, आपको सोना है, तो आप सो सकते हो। मैं तो सो लेती थी 3-4 दिन में मुझे नींद नींद लग बहुत, जाती है, डेली तो नहीं सोती। नींद बहुत प्यारी है हमको, तो मुझे सो लेती हूँ। साहिली जी बोलते हाय हाय, साक्षी जी हाय, प्रिया दुबे जी हाय, प्रिया जी आ गए हाय। इन्होंने इनको भी पीसीओ, ये थायराइड था शायद ना प्रिया जी को, उन्होंने भी सही ठीक किया। इनका भी यूट्यूब चैनल है, आप सब लोग इनको भी सपोर्ट कीजिए, वेट लॉस रेसिपी दिखाते हैं। अच्छी अच्छी हेलो कृष्णा,
आपको और कुछ बताना है या खत्म करें? हेलो अंजलि जी, आपको और कुछ बताना है या खत्म करें अभी? क्या बताऊं मैं, क्या पूछ रहे हैं? हेलो हेलो नीतू जी, हेलो नेहा जी, दृष्टि जी आए, साबुदाना खाना चाहिए क्या वेट लॉस जर्नी में? थोड़ा हेवी रहता है। एक ने पूछा था मुझे परसों भी, डिनर में खा सकते हैं क्या? उसमें कैलोरीज बहुत रहते हैं, तो आप डिनर में मत लीजिए उसे, दिन में ले सकते हो। हाय कृष्टि जी, प्रिया जी, क्या हो गया? नीतू शर्मा हेलो, नेहा वर्मा हेलो, किन्हीं को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बाद में दे दूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं बाद में रिप्लाई दे दूंगी उनको। किसी को कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी, किसके कुछ होंगे कमेंट्स, सवाल तो आप कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगी अपने चैनल पे इनके जवाब देने का। ठीक है अंजलि जी,